Assalamualaikum friends, जैसा कि आप लोग जानते थे मैं रैंक पुश कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्कर हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हैप्पी हूँ। जिन्होंने मेरे लिए बहुत 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 सारी दुआ की, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम था कि मैं लाइफ में एक दफ़ा कॉन्कर ज़रूर करूँ, तो मेरा एक ड्रीम कम्प्लीट हो चुका है। तो इसकी खुशी में आपके लिए एक फनी सा गेम प्ले लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको गेम प्ले बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और जो मेरे चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स गो, बढ़ते हैं गेम की तरफ। चल चलिए, चल चलिए। आई होप बुला वाइस पैक सबको मिल चुकी होगी, क्योंकि 20 डेज लॉगिन पर मिल रही थी सबको। तो आई होप सबको मिल चुकी होगी। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको बुला वाइस पैक कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा वो मस्ती वाला सीन हो जाता है, ओए मैं बंदूक मैं चुकनी है, ओए बंदे मैं मारने ने, ओए मेरे को एमओ कोई नहीं जे, ओए इतने पूरे चार बंदे लै गया जे, ओए मैंने गन दे दे, मैं ऊपर से चूक लेती हूँ, ओए मैंने गोलियां चाहिदियां ने, ओए ए चार चार बंदे दे फुट स्टेप क्यों आ रहे ने, मटबल दो भी स्क्वाड पहला मैं जाऊंगा, पहला मैं आएगा। अबे ये तो मर गया। ओ मर गया जे, ओए मेनू गोलियां लग गया पहले। अरे ये भी मर गया, मैं भी जाके देखता हूँ। डर गया, मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ का सम्मान का मजा उसे। पूरा हिला डाला ना। लुंगी वाली आंटी को हमने किया गोडो पे और वो रिड़ते रिड़ते सीढ़ियों के थले चले गई थी, और वैबरे वाला अंकल मेरे हाथी चढ़ गया था, इसको हमने लॉबी पहुंचा दिया। और तुम लोगों को पता है सीढ़ियों के थले कौन था? सीढ़ियों के थले थी कावा वाली सरकार, कोड़े पंज बंदूका चार, और थले जाना था बेकार, जो यहाँ से भागे वही है समझदार। तुर जा, अगे दो बंदे हाथ धो के मेरे पीछे पै हो, तू मुँह धो के मेरे अगे आ गया, हट जा, राह दियो राह, एम्बुलेंस नू राह दियो। ओहो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आज मेरी, हेल्थ कोई नहीं, हेल्थ इतने हेल्थ लभण आई है, हेल्थ लग जाए एक बारी। ये तुहानू की लगता वा कि मैं डर गई है? मैं डर गई हूँ क्या लगता है तुम्हें? अरे डर ही नहीं हूँ बाबा, हेल्थ ही नहीं है, मेरे को पहले हेल्थ चाहिए ना। मिल गई। डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, तो इन बोटों से क्या डरेंगे। हे अब तुम लोगों ने याद रखना है, एक लुंगी वाली है आंटी है, दूसरा कावा वाली सरकार है, और ये दो बंदे हैं। तो मैं यहाँ से अच्छे से पहले लूट शूट कर लूँ, और कोई हेल्थ शेल्थ भी ढूंढ लूँ, ताकि मुझे उनसे लड़ने में प्रॉब्लम ना हो। भागूंगी नहीं मैं, भागने वालों में से नहीं हूँ, भले मर जाऊँ लेकिन भागने वालों में नहीं। तब इसलिए भागी थी कि मैं मुझे कुछ हेल्थ मिल जाए, ताकि मैं उनका मुकाबला करने के काबिल हो जाऊँ। तो फिर तब भागने में समझदारी थी, तो इसलिए मैं भाग गई। तो ये लोग पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे, मैंने देखा यहाँ पे वो लुंगी वाली आंटी छलांगे मार रहे थे, उसको लुंगी नजर आ रही थी मुझे। तो कोई नहीं, लाभ लो। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई मैं आई, ओए मैं आई। कावा वाली सरकार ना पानी वाली टैंकी या पता नहीं मुँह धोन गई सी या हाथ धोन गई सी, हाथ धो के तो मेरे पीछे बह हुआ बंदा पीछे। इन्होंने ये पूरा एरिया छाना, पूरा एरिया मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि इनके दो बंदे मैंने मार दिए थे। तो इनकी ये बस लुंगी वाली आंटी थी, और ये कावा वाला सरकार था। कावा वाली सरकार ने इस पर बैठ दे दिया था। अब जो कावा वाली सरकार था, इसको मैंने काफ़ी डैमेज दे चुकी थी,
और बाद किसी में चीज़ है एमओ पे लगा था 4x और मेरे पास एमओ भी 30 थी, वो बस नॉक होने वाला था। गाँव वाली सरकार फुल पार ना लगे वाद रहा है, कट जा तोड़ जा। लेजेंड पठान लेजेंड होएगा तो अपना घर होएगा, सही है लेजेंड पिछा है। अब ये यहाँ पे माफ कर रहा था अपने टीममेट को कि मैं इधर हूँ, मुझे लग गया था पता, क्योंकि इसका वो जो लुकी वाली आंटी थी वो फरार थी, वो यहीं कहीं थी मेरे आगे पीछे, बट मुझे उसकी लोकेशन नहीं आ रही थी। जब मुझे ठूकनी है ना तब मुझे पता चलेगा लूंगी वाली आंटी भी इधर कहीं है। कहाँ हो आंटी? आंटी लुंगी वाली लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। मैंने कहा इसको तो पहले लेंगे पीछे 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 पीछे। आंटी जी आंटी जी इधर मुआ सुन के जाऊँगी लुंगी वाली आंटी, चेक करो छुट्टी है। तो ऐसे पब्लिक हमने 1v4 किया बहुत ही चलाकी और होशियारी के साथ। हमने यू टर्न लेने के बाद हमने इनको फिनिश किया, पर हम भागे नहीं, हमने इनका सामना किया लेकिन दिमाग के साथ, ताकत के साथ, जज्बाती नहीं होना, फीलिंग में नहीं बहना कि उसने मेरे टीममेट को मार दिया मैं बकरने वाला भूल जाऊंगी, ऐसी नहीं करते कभी भी। हमेशा सोच समझ के खेला करो, बॉट मारने से भी पहले सोच लिया करो, हो सकता है वो बंदा निकले। वैसे आज आप लोगों को मेरी वॉइस में थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा, लग रहा है ना मेरी वॉइस चेंज है। तो वॉइस मेरी इसलिए चेंज है कि पिछले 4 दिनों से मुझे काफ़ी बुखार रहा है और उस बीच में मेरा गला भी ख़राब हो गया था और मेरा वॉइस का जो ट्यून है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, आप लोगों को फील हो रहा होगा। तो आज कुछ बेहतर फील कर रही थी तो फिर मैंने सोचा चले आप लोगों के लिए एक वॉइस ओवर वाली वीडियो क्यों ना डाल दी जाए यूट्यूब पे। तो देख लें फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और जो मेरी पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, मेरी वीडियोस को देखती है और शेयर करते हैं और मतलब ढेर सारा प्यार दिखाते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा कभी भी किसी के साथ कभी भी ना हिट वाला सीन नहीं रहा, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ। और हाँ, जिसने भी मेरे क्लैन में आना है ना तो वो आ सकते हैं मेरे क्लैन में, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर किसी को मेरी आईडी का नहीं पता तो वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पे इंस्टा के बायो में मैंने आईडी मेंशन की हुई है, तो वहाँ से आप मुझे क्लैन में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो ऐसे आप क्लैन में ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। चलिए मैं ना इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से आप, वहाँ मेरी करेक्टर आईडी है, वहाँ से आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और क्लैन ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अकेली थी तो यहाँ पे शैग में घुस गया कि मुझे लगा सामने बंदा, लेकिन वो जो बंदा था वहाँ पे रुका नहीं, वो आगे चला गया, लेकिन मैं काफ़ी कुछ देर ठहरी रही। मैंने कहा मे बी मैं निकलूँ या वो मुझे मारे, तो मैं सोच रही थी वो निकले मैं उसको मारूँ, बट ये निकला निकली के चक्कर में वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया और मैं इधर ही लंबी पैती रह गई। मैं तो यहाँ पे नागिन बन गई, स्नेक बन गई, एंडाकोंडा बन गई, मगरमच्छ बन गई, बम छुट्टे मोलिया छुट्टी, पर यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, कोई होता तो नॉक होता था, यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, मैं कल्ली थी यहाँ पे, दिमाग दीवार पे सर मार रही थी, फोड़ रही थी अपना। शैग से निकल के मैं ऐसे भागी जैसे बचपन में मैं नूरे की दुकान से टाफियाँ लेने जाती थी, और अधे रास्ते जाते ही मेरे पीछे काले रंग के 4 कुत्ते पड़ जाते थे, और फिर मैं इतनी स्पीड से भागती थी, इतनी स्पीड से कि मैं पीछे भी मुड़ के नहीं देखती थी, मेरी जो ब्रेकें हैं मेरे घर के दरवाजे के आगे जाके लगती थी, और बदकिस्मती से कभी ही दरवाज़ा बंद होता था तो फिर मुझे दीवार टपनी पड़ती थी, और फिर मैं दीवार टाप के अंदर जाती थी,
और इस तरह मैं कुत्तों से भी बच जाती थी। तो आज मैंने ऐसी स्पीड लगाई है इस गेम में। तो यहाँ लम्बे पैर के मैंने चार चुफेरे देखा, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया और मुझे सामने से गोलियों की थोड़ी सी नॉइस आई है। तो मैं इस पत्थर के पीछे लुक गई हूँ, सामने बंदा है, वो पत्थर के पीछे बंदे हैं। तोड़ जा। तो यहाँ पे भी बंदा, वो देखो जेबरे वाला आ रहा है। जेबरे वाले भाई इसको तो मैं मार के नहीं आई थी पावर प्लांट में, पागल। जेबरे वाला सूट तो सर के पास है ना, इस बार भी मैं आया है। सही है। तो मैं यहाँ से जगह चेंज करूँगी क्योंकि उसे लोकेशन जा चुकी है और वो इस लोकेशन पे आएगा। तो मैंने थोड़ी लोकेशन चेंज कर ली है। ओए हेलो, डरा दिया ना श्री। तर जा। आज तो पब्लिक चिकन डिनर पक्का है। गोली की दोनों टांगे मैं खाऊंगी कसम से। चावलों के ऊपर डाल के बड़ी मजे करते हैं ना। यहाँ से जूही मैं भजती हूँ तो सामने विंडो टॉप के एक बंदा बहुत ही तेज़ी के साथ मेरे आगे आ जाता है। तो मैं भी होशियारी के साथ तेन की आँख खोल के उसको मार देती हूँ और फिर जोन में भजने की कोशिश करती हूँ। मेरा चिकन, मेरे चिकन दिया लगता और मेरे चावल। मैं भूखी मर गई जे। कोई नहीं होया चिकन डिनर।